फिलहाल जैसे कि ऑलरेडी वी हैव प्रेडिक्टेड कि 27 मॉर्निंग तक मौसम का ये जो WD है ये 27:27 की मॉर्निंग में ओवर हो जाएगा. उसके बाद 27 और 28 90% ड्राई ही रहेगा. एक दो जगह छोड़कर जो आइसोलेटेड जिसको हम बोलते हैं हायर रीचेस पे हो सकता है, आफ्टरनून में थोड़ी रेनफॉल हो सकता है, लेकिन 90% ड्राई ही रहेगा 27 और 28. जबकि एक और WD 29 दोपहर से 31 मई तक रहेगा, जिसकी वजह से वाइड सेपरेट रेन्स जो 30 तारीख को 30 मई को पूरे J&K को देखने को मिलेगी. इसके साथ साथ कुछ इलाकों में रेनफॉल के साथ मतलब ये तेज़ हवाएं चलेंगी और साथ में हेल स्टॉर्म भी आ सकता है. किसानों के लिए कोई खास मैसेज रहेगी आपकी? किसानों के लिए बस यही मैसेज है कि अगर उनको कोई ज़रूरी दवा पाशी करनी है तो वो 27 और 28 के दौरान करें, जब क्योंकि 29 के बाद जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक और WD आ रहा है, उसकी वजह से वो 31 मई तक फिर अपना सस्पेंड रखना पड़ेगा उनको. 29, 30 और 31 को उनको सस्पेंड ही अपना एक्टिविटीज़ रखनी पड़ेंगी. क्या ये हायर रीचेस में कोई बर्फबारी का इम्कान है? बहुत कम चांसेस है बर्फबारी के, क्योंकि टेम्परेचर्स ऑलरेडी शूट अप हो गए हैं. तो जो हायर रीचेस हैं अबव 3500 मीटर अबव सी लेवल, वहाँ पर हो सकती है. जैसे हमारे महादेव टॉप है, ऐसे ऐसे जो टॉप्स हैं, कोल्हाई टॉप है, तो उन पे बर्फबारी हो सकती है. और जो हाइकर्स है जो हाई रीचेस पे जाते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है हमारी कि आप 29, 30 और 31 को ना जाएं.